कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ में 21 अप्रैल से आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। आपको बता दें कि छूट की अवधि को प्रातः 7 से शाम 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन में दी गई छूट के बाद अब जिले की 60% दुकानें खुलेंगी और 40% दुकानें बंद रहेंगी। छूट की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में लागू धारा 144 आगे भी जारी रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने आज शाम नगर निगम के सभागृह में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान ज्वेलर्स कपड़ा दुकान, प्रिंटिंग प्रेस और स्टेशनरी, पान की दुकान, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स चौपाटी, टेंट हाउस, ब्यूटी पार्लर, फैंसी गिफ्ट्स कॉर्नर, तंबाकू जर्दा की दुकान, बर्तन की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, मॉल टॉकीज, घूम घूम कर बेचने वाले चाउमिन का ठेला, बिग बाजार मॉल, डी मार्ट, कार के शोरूम, साइकिल दुकान, जूस कॉर्नर्स, घड़ी की दुकान, फर्नीचर की दुकान, फोटोकॉपी सेंटर, फोटो स्टूडियो, कोल्ड ड्रिंक शॉप, कबाड़ी की दुकान, सिंगार, पिज्जा शॉप, प्रॉपर्टी डीलर्स, गन्ने का रस, आइसक्रीम, टेलर्स दुकान, बैग शॉप, बैंड बाजा, डीजे, ड्राई क्लीनर्स, अलमारी, स्टील फैब्रिक्स आदि ये कई दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए लगभग 60% दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। इन दुकानों को खोलने की अनुमति सशर्त दी गई है और ये शर्तें हैं कि प्रत्येक दुकान के सामने हैंड वॉश, साबुन, सैनिटाइजर रखा जाएगा। सभी दुकान संचालक मास्क, ग्लोबल्स व सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल करेंगे। सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित दुकानदार या ग्राहक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानदारों एवं ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस वाला हो या प्रेस कर्मी, हेलमेट सभी पहनेंगे। हेलमेट के बिना घूमते पाए जाने पर वाहन को, उन्होंने कहा कि गैर जरूरी लोगों को हम बाइक पे चलते नहीं देखना चाहते। बाइक केवल वे चलाए जिन्हें आवश्यक काम हो। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अनाउंस भी करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे भीड़ कम होगी और रोड में ट्रैफिक भी कम होगा। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि उद्योग, करियाना, सब्जी, पोहा, मुर्रा उद्योग सहित अनेक दुकानों को लॉकडाउन में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रिकल दुकानें भी शामिल हैं, जिसमें बल्ब, इलेक्ट्रिकल सामान मिलते हैं, किंतु एसी, वॉशिंग मशीन आदि बेचने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि यदि जिले से बाहर किसी को जाना हो तो उसके लिए छूट नहीं है। एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के आगमन करते पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य सहित विशेष प्रयोजन से ही व्यक्ति को एक जिले से दूसरे जिले आने जाने की अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य एवं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कार या अन्य चौपहिया के साथ ही दोपहिया वाहनों में 2 लोगों से ज्यादा को बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि 2 व्यक्ति से ज्यादा सवारी पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि वैसे तो दोपहिया वाहनों में से 1 व्यक्ति के लिए ही अनुमति थी, किंतु महिलाओं एवं अन्य लोगों की परेशानियों को देखते हुए दोपहिया वाहनों में भी 2 लोगों की अनुमति दी गई है। कलेक्टर एवं एसपी ने कहा कि हर सोमवार को पूरा बाजार बंद करने के नियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायपुर और दुर्ग के जैसे टोटल लॉकडाउन की घोषणा पहले से इसलिए नहीं की गई क्योंकि ऐसा करने से दुकानों में भीड़ लग जाती और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, इसलिए निर्णय लिया कि सेकेंड हाफ में घोषणा की जाए। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रेरणा अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.